हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को मेरे एक खास फ्रेंड है उनके बारे में एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक्चुअली उनका किसी एक लड़की से अफेयर था और बहुत प्यार करते थे वो। एक्चुअली ये सब बात आप सभी के बीच में नहीं लाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, क्यों मैं बोलते हैं ना, अपने फ्रेंड की खुशी में एक फ्रेंड की खुशी होती है। तो मैं आप सभी के बीच में ये वीडियो इसलिए ला रहा हूँ और ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो भी कोई मेरे फ्रेंड से प्यार करती थी वो लड़की, वो देखे इस वीडियो को। और जिस लड़की ने, आई होप मुझे तो ये नहीं मालूम लड़के ने धोखा दिया है कि लड़की ने धोखा दिया है, ये चीज़ तो हमें नहीं मालूम है। लेकिन मैं अपने दोस्त की तकलीफ मैं नहीं देख सकता, इसके लिए मैं ये ब्लॉग आप सभी के बीच में ला रहा हूँ। अगर जो लड़की मुझे, वो तो जानती है कि मैं वो अपने फ्रेंड के साथ में रहता था, अगर आप देख रहे हैं वो वीडियो तो मेरे दोस्त की तकलीफ समझिए और एक बार आके उसे ज़रूर मिलिए, क्योंकि वो इंसान बहुत तकलीफ़ में। जो इंसान आज तक किसी चीज़ को मानता नहीं था, आज वो इंसान आपके लिए हर मंदिर, हर दरगाह, हर जगह वो जाता है, बहुत सच्चे दिल से आपको याद करता है। आई होप बस एक बार आप लोग अगर मिल नहीं सकते हो उनसे, तो एक बार आप उसको कॉल करके बात करके देखिए आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, किसने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। एक बार आपका ही फ़र्ज़ होता है आप सभी को भी देखने के लिए। देखिए बातचीत करके शायद आप दोनों का जो आपसी झगड़ा है ना, उसको आपस में ही बातचीत करने पे ही ना सॉर्ट आउट होगा। तो आप लोग आगे की लाइफ आप लोग अपने तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और एक्चुअली मेरे को आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, क्यों क्या करूँ, एक्चुअली फ्रेंड की तकलीफ जो होती है ना, एक फ्रेंड समझ सकता है। इसके लिए आप लोगों के बीच में मैं वीडियो ला रहा हूँ। जो भी कोई लड़की जो मेरे फ्रेंड से प्यार करती है, मैं सपोज़ उनका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि नाम लेने पे उनके फैमिली में भी अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम, बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए नहीं ले रहा हूँ। आई होप जो प्यार करती है वो, आई होप ये वीडियो मेरा ज़रूर देखती होगी, देखी भी होगी और देखती होगी, दोनों हो गया, कॉमन सी बात है। चलिए अगर आप लोग मेरे फ्रेंड के लिए दुआ कीजिए कि वो दोनों एक हो जाए और एक साथ रहें। और मैं भी बहुत दुआ करता हूँ कि जो मेरा फ्रेंड है उसका भी नाम नहीं ले सकता और जो लड़की है उसका भी नाम नहीं ले सकता आप सभी के बीच में, क्योंकि दोनों फैमिली में बोलते हैं एक ऊँची जात की एक नीचे जात की, ऐसा कुछ सब आचरण मानते हैं। लेकिन आई होप अब तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन एक बोलते हैं ना, एक जो दो प्यार करने वाले होते हैं ना, उनके बीच में कोई ना कोई झगड़ा लड़ाई करने वाले बहुत सारे आ जाते हैं। लेकिन आप लोग आपस में मिलिए, बातचीत कीजिए, क्या है क्या नहीं वो सब बातचीत करके आप लोग अपना सॉर्ट आउट कीजिए। और मैं ये दुआ करता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस ये वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप जितना फैला सकते हैं फैलाइए, और वो दोनों को, प्यार करने वाले को एक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हुआ तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे तो उस लड़की तक पहुंच पाएगा, कि वो लड़की ने पूरी तरह से अपना कांटेक्ट छोड़ दिए और तोड़ दिए, और इस समय वो लड़की कहाँ गई है किसी को मालूम नहीं, ना मेरे को मालूम है ना फ्रेंड को मालूम है। और वो बहुत प्यार करती थी, एक दूसरे से 5 मिनट भी दूर नहीं हो पाते थे, इतना प्यार था, इतना लगाव था। लेकिन एक पे ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया ये, कि उन्होंने कुछ टाइम के लिए मैं क्या बाहर चला गया, इन्हों को आपस में ऐसा लड़ाई वैसा झगड़ा हो गया है ना, कि सपोज़ कुछ बोला नहीं जा रहा है। मैं आने के बाद मैं देख रहा हूँ मेरा दोस्त एक पागल जैसा हो गया, एक सदमे में आ चुका है। वो क्यों आया, क्या रीज़न है वो मुझे नहीं मालूम है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देखिए और शेयर कीजिए, मेरी ये दुआ है। और मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ मेरे फ्रेंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए कि वो लड़की मिल जाए उसको, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता और ना बता सकता आप सभी के बीच। चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरे हिसाब से आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए इसको,
जितना शेयर करेंगे आप लोग तो ये वीडियो उस लड़की तक पहुंच सकता है, और पहुंच सकता नहीं, पहुंच भी जाएगा, तो वो लड़की शायद ये हमारा वीडियो देखने के बाद शायद एक बार कोशिश करेगी मेरे फ्रेंड से बात करने के लिए, या फोन कॉल पे या अदरवाइज मिल के भी बात कर सकते हैं लोग। आप लोग की दुआ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, तो ज़रूर से वो मिलेंगे। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए बस।